कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। बसों में सफर करते हुए आपने ये लाइनें जरूर सुनी होंगी, लेकिन मुंबई में सोमवार को कंपनी के प्रचार के चक्कर में 14 लोगों को जान का नुकसान हो गया। आपने तस्वीरें देखी ही होंगी, मुंबई में आए तूफान और बारिश में ये विशालकाय होर्डिंग गिर गया, जिसके नीचे तूफान और बारिश से बचने के लिए रुके 100 से ज्यादा लोग दब गए। ये लोहे का होर्डिंग करीब 120 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा था, जिसका वजन 250 टन था। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि राहत बचाव के लिए NDRF को बुलाना पड़ा और पूरी रात इस विशालकाय होर्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का काम चलता रहा। फिर भी 14 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद इस होर्डिंग को लगाने वाली कंपनी एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भावेश भिड़े के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जी न्यूज की टीम जब मुंबई में इस कंपनी के दफ्तर पहुंची तो क्या हुआ, आपको ये जरूर देखना चाहिए। एगो मीडिया का दफ्तर है, हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई है कि नहीं अभी? भावेश जी कहाँ है? भावेश जी हैं। आप लोग कब से यहाँ काम कर रहे हैं? कैमरा बंद कीजिए। हाँ, कैमरा बंदी है। आपसे जानकारी चाह रही, देखिए आप लोग के ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आप अपनी बात क्यों छुप क्यों रहे? छुपिए मैं। आपने गलती की है क्या? नहीं ना, तो आप जी कैमरा बंद कीजिए। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कैमरे पे क्या दिक्कत है? मुझे बाहर चले, बाहर चले, मुझे बताए भावेश जी कहाँ है? भावेश जी नहीं यहाँ पे, आप पहले कैमरा बंद कीजिए। क्या वो फरार हैं? हमें नहीं पता है। कहा सर, कैमरा बंद कीजिए। कैमरे को हाथ क्यों? नहीं, एक मुझे ये तो बता दीजिए कि क्या। नहीं, आप चलिए इधर चलिए। मुझे अच्छी कैमरा उधर। नहीं, बताइए कि कहाँ है अभी वो? हमें नहीं पता है सर जी। देखिए, लेकिन सुनो, आप लोग की तरफ से की गई है। अरे नहीं, ये तो ठीक है, आप क्या करते हैं? अच्छा, आप चलिए ठीक है, कैमरा हम रख दे, कैमरा बंद कर रहे हैं, आप बताइए। चलिए, कैमरा हम रख रहे हैं, बताइए आप। इस वक्त हम ईगो मीडिया के दफ्तर में हैं और आप ईगो मीडिया का दफ्तर देख सकते हैं। हमने कोशिश की यहाँ के लोगों से बातचीत करने की, लेकिन कैमरे पर ना आने के शर्त पर बातचीत करने के लिए लोग तैयार हुए। उनका कहना था कि भावेश भिड़े कल सुबह आए थे, दोपहर तक थे, इसके बाद वो यहाँ से चले गए। शाम को 4 बजे के बाद से ही उनका फ़ोन बंद हो गया, 4 से 4:30 के बाद, जब होर्डिंग जो है गिरी, उसके बाद से ही फ़ोन बंद है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन ओमकार प्रकाश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। होर्डिंग लगाने वाली कंपनी का मालिक फरार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या होर्डिंग लगाने वाली कंपनी और उसका मालिक ही अकेला 14 मौतों का जिम्मेदार है? आखिर इतनी विशाल होर्डिंग वहां लगी कैसे और इसके लिए किसने इजाजत दी थी? क्योंकि जो होर्डिंग गिरा वो इल्लीगल था। BMC कह रही है कि वो मुंबई में 40x40 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े होर्डिंग लगाने की परमिशन नहीं देती, जबकि ये होर्डिंग 120x120 स्क्वायर फीट का था। BMC ने 13 मई यानी सोमवार को इस होर्डिंग को 10 दिन में हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस मिलने के कुछ घंटे बाद ही तूफान में ये होर्डिंग गिर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो अवैध होर्डिंग गिरने की जिम्मेदारी BMC की बनती है, लेकिन BMC का दावा है कि वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस होर्डिंग को लगाने की इजाजत देने का अधिकार BMC के पास था ही नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर होर्डिंग लगा था वो GRP की जमीन है और वहां होर्डिंग लगाने के लिए BMC की इजाजत की जरूरत नहीं होती। इस होर्डिंग को लगाने वाली एगो मीडिया को लिखा रेलवे पुलिस यानी GRP का एक खत भी सामने आया है, जिसमें GRP ने 26 जुलाई 2021 को कहा था कि रेलवे की जमीन पर होर्डिंग खड़ा करने के लिए BMC की इजाजत की जरूरत नहीं। इसी आधार पर BMC कह रही है कि जिस दैत्याकार होर्डिंग के गिरने से 14 लोगों की जान चली गई वो रेलवे पुलिस की इजाजत से लगा था, इसीलिए इसमें BMC की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तकनीकी पॉइंट यह है कि बाकी जो संस्थाएं हैं उनका यह कहना है कि चूंकि यह जमीन रेलवे की है और रेलवे की जमीन होने के कारण इस पे BMC ना कोई टैक्स लगा सकती है और BMC की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जो मामला है वो माननीय उच्च न्यायालय ने तय किया है और इसके अगेंस्ट BMC ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया है। वो अपील अभी पेंडिंग है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज चूंकि मामला सब जुडाइस है। BMC के डिप्टी कमिश्नर के तर्क आपने सुने, तो अब सवाल यह है कि अगर रेलवे की जमीन पर होर्डिंग की इजाजत देना BMC के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो फिर 13 मई को किस अधिकार से BMC ने इस होर्डिंग को हटाने का नोटिस जारी किया था और अब वो पूरे मुंबई में अवैध होर्डिंग की पहचान करने और उन्हें हटाने का अभियान चला रही है, वो किस आधार पर चला रही है? इन सवालों पर BMC के अधिकारियों का एक ही जवाब है,
नो कमेंट्स। लेकिन अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जो चुस्ती और फुर्ती अब बीएमसी की तरफ से दिखाई जा रही है, वो पहले दिखाई गई होती तो 14 लोगों की जान बच जाती। Z News.